बिसम अल्लाह रही सो वी आर डूइंग डेरेवेटिवस आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस की बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स ये नॉर्मली काफ़ी दफ़ा इंटरचेंजबली डिस्कस भी किए जाते हैं जर्नली एक ही समझा जाता है इट्स नॉट लाइक दैट दे हैव अ स्पेसिफिक डिफरेंसेस विच वी नीड टू नो दोनों का मकसद बेशक सिमिलर होगा डेरिवेटिव हैं दोनों बट देर इज़ अ लाइन ऑफ डिफरेंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कस्टमाइज्ड contractual एग्रीमेंट where टू प्राइवेट पार्टीज एग्री टू ट्रेड अ पर्टिकुलर एसिड विद ईच अदर कि दो पार्टीज आपस में डील करती हैं कि हम ये बाइंग सेलिंग करेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट उनका आपस में हो जाता है और ये ओवर दी काउंटर आईट नॉट ऑन एनी एक्सचेंज यानी कि वन टू वन और थ्रू डायरेक्टली विद एन इंस्टीट्यूशन आप कर रहे होते हैं इट्स नॉट अ स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज वेयर एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसको फ्यूचर्स कहा जाता है दे आर अ मोर स्टैंडर्डाइज वर्जन इसमें भी जो है बात यही हो रही होती है कि एग्रीमेंट हो रहा होता है फॉर सम फ्यूचर टाइम बट द डिफरेंसिज नॉर्मली दे आर स्टैंडर्डाइज और ये भी अंडरलाइंग दोनों के सिमिलर हो सकते हैं बोथ कैन बी डन ऑन स्टॉक्स बॉन्ड्स बट द स्ट्रक्चर एंड द प्रोडक्ट टाइप हैज़ समिफ्रेंसेज द मेन डिफरेंस पीचिंग फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड आर फ्यूचर्स आर पब्लिकली ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज यानी कि ये स्टॉक एक्सचेंज या जो भी रेलिवेंट उसकी एक्सचेंज है वहाँ पे ये ट्रेड हो रहे होते हैं यानी कि स्टैंडर्डाइज होते हैं और जो दूसरे हैं वो प्राइवेटली तो इन दोनों का जो वर्किंग का फिर जो मैकनिज्म है यानी कि ऑपरेशनली फिर देर आर मैनी डिफरेंसेज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेन डिफरेंस कि एक एक्सचेंज में ले ले ट्रेड होना है एक ने प्राइवेटली वर्कआउट करना है तो द डिफ्रेंस इज़ हाई विच वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंपेरिजन एग्जामिन डिफरेंस बीन काउंटर पार्टी रेस कब हम इसमें बात करेंगे कि किस किस एरिया में डिफरेंस आ सकता है एंड वी नीड टू वर्क आउट दैट किस एंड क्लियरिंग है मार्क टू मार्केट ट्रांसपेरेंसी के वट आर द डिफरेंसिज इन दीज एरिया तो हम इनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे आई अप्रीशिएट कि इसको आप एक टेबल बना लें अपने पास एंड जस्ट सी वट आर द की डिफरेंसिस ए कम्बाइंड लॉन्ग टेबल शुड भी देयर विद यू ऑल द टाइम अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट डिफरेंस इज स्ट्रक्चर एंड परपज स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है हमारा फ्यूचर्स में वेयर एज़ इन फॉरवर्ड इट इज़ कस्टमाइज ये दो वर्ड्स ही मेन डिफरेंस में आ जाते हैं कस्टमाइज फॉर फ्यूचर नीड और इसमें और डिफरेंस है यूजअली नो इनिशियल पेमेंट के फॉरवर्ड में इनिशियली कोई पेमेंट नहीं हो रही होती ये जब भी पेमेंट्स होंगी वो उसके सेटलमेंट टाइम पे आएंगी वेयर एज इन फ्यूचर्स इनिशियल मार्जिन आर रिक्वायर्ड कि आपको मार्जिनस रखवाने पड़ते हैं इवन इफ़ यू आर टेकिंग अ लॉन्ग पोजिशन या शॉर्ट पोजिशन बहुत केसेज में आपको मार्जिन रखने पड़ते हैं यानी इनिशियली कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं ट्रांजेक्शन मेथड निगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन बायर्स एंड सेलर यानी कि कोई भी आपस में टर्म्स एग्री हो सकती हैं फ्यूचर्स आर कोटेड एंड ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ये स्टॉक एक एक्सचेंज की प्राइस यानी कि मार्केट की डिमांड सप्लाई मेकनिज्म चलेगा और सामने आपके पास प्राइसिस अवेलेबल होंगी इंडिविजुअल बायर्स एंड सेलर्स आपस में नहीं प्राइस सेट कर रहे देन मार्केट रेगुलेशन फॉरवर्ड्स आर नॉट मेनली रेगुलेटेड वेयर आज फ्यूचर गवर्नमेंट रेगुलेट मार्केट वो जो मार्केट के फंक्शनिंग हैं उसमें होती हैं या जो रेलिवेंट बॉडी है वो उसको रेगुलेट कर रही होती है इंस्टीट्यूशनल गारंटी इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो दूसरी पार्टी है वही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और ये कैन आस्क फॉर है मैनी अदर गारंटीज बट अदरवाइज एज सच कोई गारंटी एग्जिस्ट नहीं कर रही हो दर एज इन फ्यूचर क्लियरिंग हाउस इज द पार्टी यानी कि अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो आप बेच रहे हैं क्लियरिंग हाउस को और जो दूसरा बंदा खरीद रहा है वो खरीद रहा है क्लियरिंग हाउस से तो देर इज एन इंटरमीडरी जो कि एक किस्म का गारंटर भी है इसीलिए वो मार्जिन रख के अपने आप को सिक्योर करता है देन वी हैव रिस्क काउंटर पार्टी रिस्क जो है फॉरवर्ड में काफ़ी हाई है जैसे अभी आपने पहले बात हमने की है कि काउंटर पार्टी का रिस्क एग्जिस्ट करता है वेयर एज इन फ्यूचर काउंटर पार्टी रिस्क इज लो बिकॉज एक्सचेंज इज देयर मार्जिन थोड़ा सा रिस्क फिर भी रहता है लेकिन कंपेयर टू फॉरवर्ड इट्स ऑलमोस्ट नेगलिजिबल गारंटी इज नो गारंटी ऑफ सेटलमेंट अंटिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी ओनली फॉरवर्ड प्राइस बेस्ड ऑन स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडर लाइंग अभी इसमें जब सेटलमेंट जब टाइम आता है उस टाइम पे डिटर्मिन होता है कि विच पार्टी इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट और वो उस टाइम पर उसकी पेमेंट हो रही होती है वेयर एज इन फ्यूचर बहुत पार्टीज एज देव टू डिस डिपॉजिट मार्जिन द वैल्यू ऑपरेशन इज मार्क टू मार्किट जैसे प्राइसिस बढ़ती हैं तो अगर आपको गेन हो रहा है तो वो आपके अकाउंट में मिल जाता है इसी तरह अगर प्राइसिस की एडवर्स मूवमेंट हो गई है तो आपके अकाउंट से वो मार्जिनस डिडक्ट भी हो जाएंगे तो इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट हमने ये एक और भी जगह बात की हुई है तो यानी कि सेटलमेंट ऑफ गेन लॉसिज बी डन कॉन्ट्रैक्ट मेच्योरिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जनरली मेच्योर बाय डिलीवरिंग द कमोडिटी ये रूल नहीं है लेकिन नॉर्मली उसमें डिलीवरी दी जाती है गुड्स की और वो एक्चुअली ट्रांजेक्शन टेक प्लेस कर रही होती है और इसकी ड्यूरेशन भी कुछ भी हो सकती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नॉट नेसेसरली मेच्योर बाय डिलीवरी ऑफ कमोडिटी यानी कि ये कैश सेटलमेंट में ये काम हो जाता है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक्चुअली शेयर आपने देने भी हैं या लेने भी हैं एक्सपायरी डेट डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजेक्शन इट कैन बी एनी फ्यूचर की एक्सपायरी डेट स्टैंडर्डाइज होती है और वो अपना पाथ को फॉलो करती है मेथड ऑफ़ प्री डिटर्मिनेशन अगर आप डिसाइड करते हैं कि इफ़ वॉन्ट टू प्रीटर्मिनेट अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट विथ सेम और डिफरेंट काउंटर पार्टी फिर आपको क्या करना पड़ता है उसी काउंटर पार्टी के साथ या एग्री करते हैं कि इसको हम क्लोज करें या आप उसके साथ एक अपोजिट एग्रीमेंट करते हैं या किसी और पार्टी के साथ अग्रीमेंट जैसे कि आपने किसी से बाय का एग्रीमेंट किया हुआ है तो अब आप किसी और पार्टी या उसी पार्टी के साथ सेल का एग्रीमेंट कर लें ताकि उसको खत्म करें काउंटर पार्टी स्टिल रिस्क रिमेन सेम अगर वो दो पार्टीज हो गई हैं तो अब दो पार्टीज का अपना काउंटर पार्टी रिस्क आ गया कि एक से आप बेशक अच्छा सेटल कर दें दूसरे से ना हो फ्यूचर के केस में ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सचेंज तो वो दूसरी पार्टी एक्सचेंज है तो वहां पे यू कैन अर्ली टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट साइज इसमें फॉरवर्ड में इट इज कस्टमाइज तो ये आपकी नीड के मुताबिक ये अगर हम शेयर्स की बात करें तो आप 450 शेयर पे भी कर सकते हैं वेयर एज अगर फ्यूचर की बात करें तो अगर उसकी स्टैंडर्ड लॉट 500 है तो वो 500 की या उसके मल्टीपल पे ही होगा जस्ट फॉर एग्जांपल किसी भी यानी कि फॉरवर्ड में किसी भी क्वांटम का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट जो मार्केट हैं फ्यूचर्स की मार्केट प्राइमरी है फॉरवर्ड की मार्केट को हम जब कहते हैं ये प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है बिकॉज इट्स में दोनों तरह के प्लेयर्स आ जाते हैं और दोनों फंक्शनिंग एग्जिस्ट करते हैं तो दीज आर द मेन की डिफरेंसेस और जैसे मैंने आपको कहा है कि यू शुड मेक अ स्मॉल टेबल इन योर नोटबुक्स और वहाँ पे सारे ये डिफरेंसेस को एक जगह प्लॉट डाउन करें एंड हैव इट ऑन योर टिप्स थैंक यू